अगर आप रोजाना रिक्शे में सफर करते हो तो ये खबर आपके लिए है, आपको सावधान करने के लिए है, आपको लूटपाट से बचाने के लिए है। आजकल के रिक्शा वाले बड़े शातिर हो गए हैं। ये मामला कांदिवली का है, जहां रोजाना की तरह एक महिला ऑफिस से छूटने के बाद घर जाने के लिए रिक्शा की तलाश करती है। महिला को रिक्शा मिलता है, महिला रिक्शे में अपना सामान रखती है और उसके बाद क्या होता है आप खुद ही पुलिस के मुंह से सुन लीजिए। जुलाई महीने में एक महिला पुलिस स्टेशन में तकरार देने के लिए आई थी कि वो पुईसर डिपो के यहाँ पे रिक्शा पकड़ते हुए उन्होंने जब अपना बैग रिक्शा में रखा तो रिक्शा वाले ने बोला मैं थोड़ा आगे लेता हूँ मैडम, और वो उनका सामान लेके भाग गया था। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके तकरार की थी, उनका एक लैपटॉप और दो मोबाइल चोरी हो गए हैं। तो हाँ, पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए और एक रिक्शा वाले को गिरफ्तार वो रिक्शा वाले को गिरफ्तार किया है और पूरा सामान की रिकवरी हुई है झारखंड से। तो रिक्शा वाले ने ये सब सामान लेके झारखंड में अपने गांव में भेज दिया था और वो मोबाइल उसका उसने ऑन करते ही उनका लोकेशन मिल गया और वो ट्रेस हो गया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप पहले रिक्शे में सामान रखते हैं और फिर बैठते हैं, तो इस मामले से सबक लीजिए, क्योंकि आपको भी कोई रिक्शा वाला यूं ही चूना लगा कर भाग सकता है। महिला का सारा सामान उसे सही सलामत मिल गया और महिला ने पुलिस वाले का आभार भी माना है। उस दिन मैं उसका नंबर रिक्शा का नंबर नहीं देख पाई थी अनफॉर्चुनेटली, तो उन्होंने बाद में मेरे हेल्प की, पूरा रिक्शा का पूरा डिटेल निकाला, पूरा रिक्शा का नंबर ढूंढ के दिया, बहुत हेल्प की है मेरी पुलिस ने, और आज फाइनली मुझे पूरा मेरा सामान मिल चुका है और आज मैं बहुत खुश हूँ और वेरी हैप्पी विद द पुलिस के उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। पुलिस वालों को तो सच में शाबाशी देनी चाहिए कि मुंबई से रिक्शा वाला सामान चोरी कर जो झारखंड फरार हो गया उसे ढूंढ निकाला गया। हालांकि समय जरूर लगा लेकिन केस सॉल्व जरूर हो गया। वैसे ही परप्रांतियों पर राज ठाकरे और राज सरकार भड़के हुए है और ऊपर से इनके ऐसे कारनामे, अब इनको तो भगवान ही बचाए। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई।